नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं हमारा जो नया एटीएम कार्ड है वो हमारे पास पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूं कि नया एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है। और दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप नया पिन बनाने जा रहे हैं, नए एटीएम का पिन जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन में जाकर अपने पिन को बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आपको फर्स्ट टाइम यानी आपको पहली बार आपको SBI एटीएम मशीन में जाना होगा अपना पिन बनाने के लिए, अपना पिन जनरेट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको SBI एटीएम मशीन में जाने से पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ आपको अवश्य लेके जाना होगा, जैसे आपका एक अकाउंट नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट के साथ, वो मोबाइल नंबर आपको लेके जाना होगा साथ में, क्योंकि उसी नंबर पर आपका OTP आएगा। और दोस्तों यहां पे अपना पिन को बनाने के लिए आपको SBI ATM मशीन में जाना ही होगा। तो चलिए चलते हैं SBI ATM मशीन। दोस्तों यहां पर मैं SBI ATM मशीन में आ चुका हूं। ATM मशीन में आने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं SBI के ATM मशीन में पहुंच चुका हूं। तो SBI ATM मशीन में पहुंचने के बाद सिंपली अपना ATM कार्ड को इस तरह से पकड़ना, चिप वाला जो पर्सन है इसको आगे की तरफ रखना, और उसके बाद यहां पर आपको इसके अंदर आपको यहां पर डाल देना है। तो चलिए यहां पर मैं डाल देता हूं। डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहां पर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखेंगे प्लीज डू नॉट रिमूव योर चिप कार्ड, यानी आपका यहां पर जब तक पिन ना बन जाए तब तक आपको यहां से अपना ATM कार्ड को इससे बाहर नहीं निकालना है। देखेंगे योर ट्रांजेक्शन बीन प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। कितना समय लगा उसके बाद दोस्तों आपको देखने मिलेगा यहाँ पर इंग्लिश, बस क्या करेंगे इस इंग्लिश पर आपको यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे, नीचे देखेंगे आपको, इधर देखेंगे पिन जनरेशन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको यहाँ पर पिन जनरेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने बाद देखेंगे प्लीज इंटर योर अकाउंट नंबर, यहाँ पर क्या करेंगे आपको अपना अकाउंट नंबर लेंगे, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ से आपको फिलअप करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों यहां पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको देखने मिलेगा प्रेस इफ करेक्ट, यहां पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों देखेंगे प्लीज इंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, यानी आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं अपना नंबर फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पर अपना नंबर फिलअप करने के बाद आपको देखेंगे प्रेस इफ करेक्ट, यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे योर ट्रांजेक्शन बिन प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। के बाद दोस्तों यहां पर देखने मिलेगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, यानी आप प्लीज टेक योर कार्ड, यानी आपको अपना ATM कार्ड इसके अंदर से आपको यहां पर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर जो बैंक अकाउंट नंबर आप बैंक अकाउंट पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा। तो यहां पर मेरा OTP आ चुका है दोस्तों, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे फाइनली मैसेज मिल चुका, और मैसेज में आपको इस तरह से आपको मैसेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में मुझे इस तरह से यहाँ पे मैसेज मिला, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिन फॉर डेबिट कार्ड एंडिंग, यानी आपका यहाँ पे ATM कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यानी लास्ट 4 अंक यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका OTP होगा यहाँ पे देखेंगे इज 4613, यानी आपको यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से FOUR SIX ONE THREE, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पर आप जो टाइप करेंगे वहां पे आपको सिंपली 4613 उस तरह टाइप करेंगे, और यहां पे आपको OTP जो देखने मिलेगा ये आपका OTP होगा, जैसे यहां पे देख सकते हैं 4613 इस तरह से आपका OTP आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टाइप करेंगे आपका OTP यहां पे रहेगा, यहां पे आपका आपका जो ATM कार्ड होगा लास्ट 4 डिजिट यहां पे आपका ATM कार्ड का नंबर देखने मिलेगा, नंबर के बगल में आपका OTP देखने मिलेगा। यह नंबर आपको टाइप नहीं करना अपना OTP में जो होगा आपका, यानी आपका लेटर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं 4613। तो इस तरह से मुझे यहां पे मैसेज मिल चुका, और ये मेरा जो OTP है 4613, इस OTP को मैं अपना यहां पे आगे भी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर अपना OTP मिलने के बाद सिंपली क्या करेंगे, फिर से अपना ATM कार्ड को इस तरह से पकड़ना, उसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर आपको दोबारा डालना है। तो चलिए यहां पर मैं इसके अंदर डाल देता हूं। डालने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहां पर वेट करेंगे, आपको यहां पर अपना ATM कार्ड को तब तक नहीं निकालना जब तक आपका यहां पर पिन जनरेट ना हो जाए, पिन ना बन जाए। आप देखेंगे यहां प्लीज डू नॉट रिमूव योर चिप कार्ड, आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहां पर देखेंगे योर ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसीड प्लीज वेट, यहां पर आपको वेट करना। फिर से आपको क्या करेंगे यहां पर आप इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, यहां पर आप देखेंगे आपको देखने लगा इधर बैंकिंग, बस क्या करेंगे सिंपली आपको यहां पर बैंकिंग में क्लिक करेंगे। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, यहां पर आप देखेंगे पिन चेंज, आपको क्या करना सिंपली पिन चेंज पर क्लिक करेंगे। पिन चेंज पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पे आप 10 से लेकर 90 के बीच आपको कोई सा भी नंबर यहां पर आप फिलअप करेंगे, जैसे मैं यहां पर 52 फिलअप करता हूं। उसके बाद क्या करेंगे सिंपली आपको यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर क्या करना यस पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। यस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे प्लीज इंटर योर करेंट पिन, यानी आपका जो OTP मिला है उस OTP को आपको यहां से फिलअप करना है। तो चलिए यहां पर मैं अपना OTP फिलअप करता हूं। यहाँ पर अपना OTP फिलअप करने के बाद दोस्तों देखेंगे प्लीज इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको एक नया पिन यहां पर जनरेट बनाना है। तो चलिए यहां पर मैं एक नया पिन यहां पर टाइप कर लेता हूं।
यहाँ पर नया पिन टाइप करने के बाद फिर से देखेंगे प्लीज री एंटर योर न्यू पिन, यानी आपको उसी पिन को दोबारा यहाँ पर आपको टाइप करना है। दोबारा टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, देखेंगे योर ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर आप जो पिन यहाँ पर आप रखे हैं वही पिन आपका एटीएम कार्ड के लिए हमेशा के लिए बन जाएगा, उसी पिन से आप यहाँ पर अपना अमाउंट वगैरह निकालेंगे। देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट, यानी आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आपका यहाँ पर एटीएम कार्ड का पिन बन चुका है, आपका एटीएम पिन यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, वेट करने बाद देखेंगे प्लीज टेक योर कार्ड, यानी आपको अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर से आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से SBI ATM मशीन में आके अपना पिन जनरेट कर सकते हैं, अपना पिन को बना सकते हैं।